जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत का भविष्य। अपने तालियों से इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, सिद्धार्थ को आशीर्वाद दीजिए। और इसके बाद मैं निपुण छात्रा सुश्री आस्था को मंच पर बुलाती हूँ। ये छात्रा निपुण दक्षता हासिल कर चुकी हैं। अपने तालियों से आस्था जी को आशीर्वाद दें। और अंत में स्थानीय कलाकार सुश्री अंतिमा को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। तो काशी में प्रधानमंत्री मोदी हैं और देखिए जिस छोटी बच्ची को पुरस्कार स्वरूप भेंट किया, ये एक चिन्ह, तो उसमें क्या लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पढ़ के सुना है। सुश्री अंतिमा जो कि एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में, जोरदार तालियों से इन्हें आशीर्वाद दें। तालियां इन सभी के लिए बहुत बहुत आभार माननीय। हम आपके आभारी हैं कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, आपके प्रेम के हम भागी बने। बहुत बहुत आभार। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी शामिल हुए। यहां पर जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, उनके लाभार्थियों से लेकर स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं जिनसे संवाद नहीं हो पाया उनके बीच जाकर उनसे उनके काम के बारे में, उनका हालचाल कि किस तरह से वो काम करती हैं, क्या ज़रूरतें हैं उनकी, इस चीज़ को लेकर बातचीत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वाराणसी को सौगातों की बरसात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। कल भी हमने देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम थे, आज भी उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और अब महिलाओं के बीच में है जो लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद किया है और साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ भी हमारे लिए साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको सर्टिफिकेट भी दिया, उनसे बातचीत भी की। माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे कितने खुश होकर आज वो प्रधानमंत्री के हाथों सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे थे, तो उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे बातचीत किया, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है, सर्टिफिकेट दिया। एक बच्ची से जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया उसमें क्या लिखा था, उन्होंने कहा कि जरा मुझे पढ़ के सुनाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री से भी बच्चे बड़े अटैच रहते हैं, उनसे बहुत आत्मीयता के साथ बातचीत करते हैं घुल मिलकर। ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनका भी बच्चों के प्रति अथाह प्रेम दिखाई देता है। और प्रधानमंत्री भी किस तरह से हमेशा कभी बच्चों को डांटते भी हैं, पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए कहते हैं। और यहाँ